नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मॉरिस है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। सबसे पहले तो भारत माता की जय। Q&A एपिसोड में आप लोगों का काफी इंटरेस्टिंग सवाल है जिनका मैं आज आप लोगों को आंसर देने वाला हूँ, और काफी यूनिक क्वेश्चन भी आए हैं आप लोगों के, तो मैं आप लोगों को पूरा आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर करूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आया है, फोर्ड इको स्पोर्ट का जो बिग ग्रिल रहता है विथ लाइट फिटिंग, वो कंपनी में मिल जाएगी क्या? देखिए, ये आफ्टर मार्केट एसेसरीज में मिलता है, ये कंपनी लगा के नहीं देती है, ये आपको पार्ट ऑफ एसेसरीज में मिल पाएगा। अब मैं ये कंफर्म नहीं बता सकता कि आपको फोर्ड प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आफ्टर मार्केट में ये 4,000 से 5,000 रुपए में इजिली आपको मिल जाएगा, फोर्ड लिखा हुआ रहेगा और उसमें जो लाइट रहता है वो भी आपका लाइट भी जलेगा उसमें, तो ये आफ्टर मार्केट का 5,000-6,000 में मिल जाता है, इतना मेरे को आइडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है, इनको कंफ्यूजन है XUV 300 पेट्रोल W8 और फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम में कौन सा बेहतर रहेगा इनके लिए, दोनों पेट्रोल वेरिएंट की बात कर रहे हैं। तो मैं सर को बताना चाहूंगा, देखिए दोनों गाड़ी नो डाउट काफी अच्छी गाड़ी है। ये XUV में आपको 1.2 पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन मिल जाएगा, वहीं पर इको स्पोर्ट टाइटेनियम में 1.5 आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाएगा। दोनों गाड़ी में से आप जो भी लेंगे आपका डिसीजन गलत नहीं रहेगा, आपका चॉइस गलत नहीं रहेगा, दोनों में से कोई भी आग बंद करके ले सकते हैं। दोनों गाड़ी काफी टाइम से अपने आप को साबित करते आ रही है कि बेस्ट प्रोडक्ट है वो इस सेगमेंट में, तो आपके ऊपर है, आप दोनों में से कोई भी गाड़ी ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों काफी अच्छी गाड़ी है। मेरे को भी अगर दोनों में चॉइस करना रहता तो मैं दोनों में से कोई भी उठा के ले आता, मेरे को दोनों गाड़ी नो डाउट काफी अच्छी लगती। लेकिन वहीं पर एक बात मैं आपको छोटा सा बताना चाहूंगा, SUV वाली फील आपको चाहिए, जैसे स्पेयर व्हील पीछे में रहता है और थोड़ा सा हाइट ज्यादा आपको चाहिए तो आपको इको स्पोर्ट में मिल जाएगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इनका क्वेश्चन है, कार में VIP नंबर चाहिए तो कहाँ से मिलेगी VIP नंबर? तो मैं बताना चाहूंगा, जो चॉइस नंबर रहता है इनका, वही कहना है कि चॉइस नंबर इनको कहाँ से मिल पाएगी। जैसे कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है या कोई भी आपका लकी नंबर रहता है वो आप अगर अपने गाड़ी में लेना चाह रहे हैं, या कोई ट्रिपल डिजिट वाला सेम नंबर आपको चाहिए, तो आपको जब नई गाड़ी लेने जाते हैं डीलरशिप वाले ही बता देंगे आपको कि क्या क्या नंबर अवेलेबल है और प्राइस भी उसका बता देंगे। मैं बताना चाहूंगा, मिनिमम प्राइस जो रहता है VIP नंबर का 5,000 रुपए से स्टार्ट होता है, 25,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए तक का VIP नंबर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपके ऊपर है, जिस टाइप का नंबर आपको चाहिए वो नंबर मिल जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझे इको स्पोर्ट एडिशन लेना है, डीलर कह रहे हैं कि वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है, मतलब इनको टॉप एंड वेरियंट लेना है, और इनका कहना जो डीलर का है कि डिसकंटिन्यू कर दी गई है, सही कहना है उनका। इको स्पोर्ट जो 1.0 इंजन था टर्बोचार्ज, वो BS6 नॉर्म्स की वजह से डिसकंटिन्यू कर दी गई है। लेकिन वहीं पर आपको पेट्रोल में स्पोर्ट्स एडिशन में 1.5 जो आपको टाइटेनियम वगैरह में भी देखने को मिल जाता है, सेम इंजन देखने को मिलेगा। तो मेरा राय, अगर आप लेना चाहेंगे तो मैं कहीं ना कहीं टॉप एंड वेरियंट में जाना उतना उचित नहीं समझता, क्योंकि चलिए टर्बोचार्ज इंजन मिल रहा था आपको 1.0, तब तक तो तब भी ओवर प्राइस मेरे को लगता था, लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन अभी ये 1.5 इंजन के साथ अगर टॉप एंड वेरिएंट में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को ओवर प्राइस लगता है। बाकी आपके ऊपर है, आपको और भी ज्यादा फीचर्स चाहिए तो आप टॉप एंड वेरिएंट में जाइए, नहीं तो टाइटेनियम तक अगर आप रुक जाते हैं तो टाइटेनियम और टाइटेनियम प्लस में ही आपको सारे फीचर्स जो जरूरत के हैं और एक्चुअल में जो काम आते हैं आपके, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो टॉप एंड वेरिएंट में आपका जाने का आपके ऊपर है, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। बाकी यही है, थोड़ा सा आपको बारिश की आवाज आ रही होगी, बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है साउंड आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कंपनी का जो हैंडरेस्ट ट्रेंड मॉडल में मिलेगा क्या बोल रहे हैं? तो हैंडरेस्ट ये जो नीचे आपका आर्मरेस्ट रहता है ये, इसको पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वही थोड़ा सा कॉस्ट वगैरह का देखना पड़ेगा कि कितना खर्चा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, HID वर्सेस LED कौन सा बेहतर रहेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए मेरी राय में मैं दोनों को यूज करके देख चुका हूँ। LED का तो मैं आपको बताना चाहूंगा, LED का तो मेरे को समझ ही नहीं आता है कि वो बिल्कुल लाइट वगैरह उसमें, जैसे आफ्टर मार्केट में लगा चुका हूँ, लेकिन वो
मैं बताना चाहूंगा, 1 वीक भी मैं अपने गाड़ी में नहीं रखा और निकाल दिया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया एलईडी सेटअप। वहीं पर मेरे पास एक बाइक है यामाहा फेजर, उसमें मैं एचआईडी डाला था, आप बिलीव नहीं करेंगे, काफी ब्राइट लाइट, काफी मस्त लाइट आ रहा था उसमें, काफी इम्प्रेसिव लाइट था, लेकिन उसमें एचआईडी में जो उसका जो एचआईडी किट रहता है वो क्या है, पानी वगैरह पड़ने से खराब हो जाता है। एचआईडी किट जो रहता है उसके साथ रहता है वो पानी वगैरह पड़ने से खराब हो जाता है, जैसे मेरी बाइक की भी खराब हो गई थी। तो मेरे राय में तो एचआईडी मेरे को बहुत एलईडी के अपेक्षा बेहतर लगता है। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप रेनिंग सीजन वगैरह में एचआईडी वर्सेस एलईडी की बात करें, तो रेनिंग सीजन या फॉगी जो सीजन रहता है, फॉग वगैरह जम जाता है उस टाइम में, आपको ना तो एचआईडी साथ देगा ना एलईडी साथ देगा, आपको जो येलो बीम वाली नॉर्मल जो बल्ब रहती है इसका लाइट आपको सबसे ज्यादा ब्राइट लगेगा, और जो उस समय में आपको रोड में जो लाइट मिलेगा, आपको नॉर्मल जो येलो लाइट रहता है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि व्हाइट लाइट में जो फॉग वगैरह को वो काट नहीं पाता, फॉग वगैरह में और वो ब्लर हो जाता है। अगर आप लगवाना ही चाह रहे हैं, आपको व्हाइट लाइट ही चाहिए, तो एचआईडी में जाइएगा, एलईडी में मत जाइएगा, एलईडी सक्सेस नहीं रहता हाईवे वगैरह में। कंपनी फिटेड आ रही है उसकी बात अलग है, वो उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है, लेकिन आफ्टर मार्केट अगर आप लगा रहे हैं तो वो सक्सेस नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भाई मेरे पास इको स्पोर्ट डीजल है, उसमें मुझे ये जो साइलेंसर से धुआं निकलती है उसमें गैस टाइप की स्मेल क्या आती है, बताइए मुझे। तो मैं बताना चाहूंगा, देखिए आपका जो डीजल वेरिएंट है, आप डीजल गाड़ी के पीछे से ही जाइएगा 5 मिनट, मान लो अगर आप खड़े कर दिए गाड़ी को या एसी ऑन करके, आप 5 मिनट छोड़िए 1 मिनट भी अगर आपकी गाड़ी एसी ऑन करके कहीं खड़ी है और आप पीछे में खड़े होंगे, BS4 की बात कर रहा हूं, तो एक अजीब सा आपको गैस टाइप का स्मेल सारे डीजल वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर ब्रेजा की बात करें, इको स्पोर्ट की, जितने डीजल गाड़ी है सब में वो गैस टाइप का आपको हल्का सा आपको स्मेल आएगा ही, थोड़ा सा स्मेल रहेगा ही, नेचुरल है ये, कोई भी वो नहीं है, डीजल गाड़ी में इतनी स्मेल आती है BS4 में। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और डाउट क्लियर हो गया होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप लोग और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे आपको नंबर दिख रहा है इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई और क्वेश्चन होगा तो मैं नेक्स्ट वीक जब भी Q&A बनाऊंगा तो उसमें आपका क्वेश्चन लेने का पूरा कोशिश करूंगा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।